सीओ कोतवाली बीपी सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी सुना और संबंधित को न्याय संगत त्वरित कार्रवाई करने और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर संबंधित को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए तथा मौके पर जाकर जांच उपरांत शिकायत का समाधान किया जाए। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, समझ रहे हैं, ये काम जरूरी है जो आपसे करवाया जा रहा है और ये अननेसेसरी नहीं है, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करवाया जाएगा अगर कुछ हो गया तो हमारी पीट करके यही मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे। अगर कुछ हो गया तो जो भी कहना होगा हमसे आप कहेंगे। आप बिल्कुल कहिए थे तो मैं ये भी आए थे, मैं इनको उसी पे अमल करने की बात है। ये उसको देखा जाए क्या क्या बनाया है, कब तो बात है, गलत इंटेंशन नहीं की भाई मेरा, लेकिन कोई वो नहीं है। ये क्या आप ले जाए, आपको माँ बाप थाना दिवस पर वैसे कोई मामला आज रजिस्टर नहीं हुआ है, किंतु एक पुराना प्रकरण था जिसमें दोनों पक्षों को तलब किया गया था और उसमें राजस्व की टीम और पुलिस टीम दोनों मिलकर के एक समझौता पत्र तैयार किए हैं जिनमें दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे और उनके विवादों का निराकरण होगा। इसके पूर्व दोनों पक्ष जो है दो बार जेल भी जा चुके हैं, किंतु बार बार वो झगड़ा करने के आदि हैं। इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को भी रिपोर्ट प्रेषित की गई है और उस पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और सभी प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।